खबर शामिल करते हैं। यहाँ पर वाशिंगटन में IMF हुकाम से मीटिंग्स बेनतीजा खत्म हो गई है। IMF ने पाकिस्तान से मुआहदे के लिए तारीख नहीं दी। IMF का शराइत को पूरा करने का मुतालबा सामने आया है। सेक्रेटरी खजाना का दौरा अमरीका भी बेसूद साबित हुआ। स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए अहम पेशरफ नहीं हो सकी। सऊदी अरब और UAE की यकीन दहानियां भी नाकाफी साबित हुई। मजीद $1 अरब कमर्शियल बैंकों से फाइनेंसिंग का प्लान देना पड़ा। IMF ने सस्ता पेट्रोल स्कीम पर रजामंदी का इजहार भी नहीं किया। उमर हयात से तफसीलात जानेंगे इस खबर के हवाले से। मजीद जी उमर, बिल्कुल, वाशिंगटन में IMF हुकाम से जो मीटिंग हुई वो बेनतीजा खत्म हुई और IMF ने मुआहदे के लिए तारीख नहीं दी। सेक्रेटरी खजाना के इस्तार के बावजूद IMF का शराइत पूरी करने का मुतालबा सामने आया है और सेक्रेटरी खजाना हामिद याकूब शेख जो है उनका दौरा अमरीका स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए अहम पेशरफ न कर सका और इसके साथ साथ जो वाशिंगटन में पाकिस्तानी हुकाम और IMF से जो साइड लाइन मीटिंग है वो बेनतीजा रही है। सऊदी और UAE की यकीन दहानियां नाकाफी करार दी गई हैं और मजीद $1 अरब जो है वो कमर्शियल बैंकों से फाइनेंसिंग का प्लान हुकूमत पाकिस्तान को देना पड़ा है। IMF को सस्ता पेट्रोल स्कीम पर समझाने की कोशिशें भी बेकार रही हैं और IMF ने ताहाल सस्ता पेट्रोल स्कीम देने की स्कीम पर रजामंदी का इजहार नहीं किया। जी बहुत शुक्रिया उमर हयात, हमें आगाह करे थे इस खबर के हवाले से। आगे बढ़ते हैं। ईद पर लाहौर जमान पार्क में ऑपरेशन का खदशा